स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। आज के वीडियो में मैं पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ। वही दुपट्टा जो हमारे घर में बेकार पड़ा रहता है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो इसी दुपट्टे का इस्तेमाल मैं आज इस वीडियो में। दुपट्टा ले लिया, इसे बनाने के लिए मुझे दुपट्टा, कैंची और एक पिन चाहिए, वो पिन जो लगभग सबके घर में रहता है। और देखिए मैं इसका इस्तेमाल कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने दुपट्टा को यहाँ पे काटेंगे, लगभग 4 अंगुल इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कट डालेंगे और बस दुपट्टे को हमको यहाँ से बस खींच देना है। और इस तरह से हम रोल बना के अपने दुपट्टे को रख लेंगे और फिर इसी तरह से 4 अंगुल करके हमें फिर से यहाँ पे हल्का सा कट देना है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 रोल ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए कैंची से यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे और यही चीज हम यहाँ भी करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे कट लगाया है और यहाँ पे लगाया था, तो देखिए हम क्या करते, इस कट के नीचे हम अपना ये दूसरा वाला दुपट्टा का जो टुकड़ा था इसको निकाल के और इस कट में फिर से इसका जो किनारा है उसको इसमें से निकाल देते हैं। देखिए और इसको इस तरह से खींचते हुए यहाँ पर गांठ पड़ जाएगा, जहाँ हमें एक दुपट्टे से एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े को जोड़ने के लिए सुई धागा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। और फिर इस कोने में जो एंड है यहाँ पे हम अपना सेफ्टी पिन लगा लेंगे। और चलिए अब मैं बताती हूँ कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जोड़ है इसको यहाँ पे हम अपने उंगली को रखेंगे इस तरह से, और जो मेरा सेफ्टी पिन जहाँ लगाया था इसे हम इस हाथ में रखेंगे और इसको देखिए इसके नीचे से हम इस तरह से इसको निकालेंगे और निकाल के और इस तरह से खींचते हुए इसको टाइट करेंगे और कम लगभग ऐसे। और फिर से हम यहाँ पे अपना दूसरे उंगली को रखेंगे और इस तरह से देखिए इस तरह से यहाँ से निकालते हुए हम इसे ऐसे करेंगे और इसको टाइट से एकदम खींचना है। और फिर इसी प्रकार यहाँ पे हम देखें यहाँ पे इस तरह से और फिर देखिए और फिर करके इस उंगली को यहाँ पे हम लोग ऐसे धीरे से निकाल के फिर यहाँ पे इस उंगली को घुसा के फिर इस उंगली को यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हम लोग इसे, और ध्यान रखना है कि हमेशा हम इसे खींचते हुए इसको टाइट करेंगे। और फिर से हम यहाँ पे अपने तीसरे उंगली को फंसाएंगे और ये देखिए यहाँ से फिर हम नीचे से निकालते लाएंगे। अब हम इसे सब यहाँ से निकाल देंगे और देखिए हम इसे इस तरह से नीचे रखेंगे, देखिए जो उंगली से निकला हुआ था। और उसके बाद हम इसे जो सेफ्टी पिन लगा है उसको ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे, और फिर हम यहाँ पे इसको ऐसे राउंड बनाते हुए यहाँ से देखिए जो मैंने पहले यहाँ पे ऐसे किया था ये देखिए उसको यहाँ से फिर से हम अंदर से घुसाएंगे। और इसको हम ऐसे करेंगे और ये देखिए इधर से अंदर से घुसाते हुए फिर इसको ऐसे हम खींचते हुए लाएंगे यहाँ पे ऐसे खींच के टाइट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लूज करेंगे और फिर ऐसे करके फिर
फिर यहाँ जो मेरा दूसरा था, यहाँ पे ऐसे आके यहाँ पे हम घुसाएंगे इसको, और फिर से हम इस तरह से खींचेंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और इसको हमेशा इस तरह से रखेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पे मेरा एक लूप बना हुआ है। तो हर लूप में हम इसी तरह से नीचे से जाके और इसको इस तरह से रख के और बस इसे हमें खींचना है और इसको ऊपर लेके हम इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से बता रही हूँ कैसे करना। देखिए जाओ, ये मेरा जो यहाँ दिख रहा है लूप, इस दुपट्टे के टुकड़े को हम ऐसे करेंगे और अपने सेफ्टी पिन को इसके अंदर से, देखिए इसके अंदर से निकाल कर इस टुकड़े को इधर खींचने के बाद इसको फिर ऐसे करके इस करके फिर हम यहाँ पे इसे धीरे से खींच लेंगे। फिर देखिए यह आने के बाद जो मेरा यहाँ ऊपर से ये वाला धागा, इसे खींचना है, इसको यहाँ पे टाइट करके और फिर से इसको ऐसे करके यहाँ पे टाइट करेंगे और फिर यहाँ से देखिए ये जो मेरा लूप है यहाँ हम घुसा के फिर से ऐसे इसको ऊपर से करके ऐसे खींचेंगे। अब ऐसे करते हुए हम पूरा बनाएंगे और लगभग ये एक ही पैटर्न से बनता है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हम इस पट्टी को इसमें कैसे जोड़ेंगे। हम कैंची लेंगे और यहाँ पे हल्का सा एक छेद कर देंगे और यही चीज़ हम इस पट्टी में भी करेंगे। ये देखिए, और इसको इस छेद में से निकाल लेंगे और इस पट्टी के किनारों को इसमें से निकाल देंगे और हल्के हाथों से खींच देंगे। और ये देखिए मेरा ये पैटर्न कैसे बन रहा है। और फिर हम इसके एंड में सेफ्टी पिन लगा लेते हैं ताकि पता चले कि इसी से हमको ये पैटर्न बनाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लिया और एक बार फिर से देखिए कि हम इसे कैसे बना रहे हैं। इसे हमेशा हमें ऐसे रखना है और हम अपने पिन को इस तरह से इसमें घुसाएंगे। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमको ये गोल शेप का बनाना है, तो हम बस इस बात का ध्यान देंगे कि कभी कभी हमको एक लूप में दो बार निकालना है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने जोर लगाया तो थोड़ा ध्यान से ताकि मेरा ये जोर छिप जाए और हम इसे धीरे धीरे ऐसे इस तरह से खींच के और इस तरह से ऐसे करेंगे। और देखिए एक बार फिर से, मैंने अभी यहाँ से निकाला था, फिर मैं इसी जगह निकालूंगी ताकि मेरा गोल से बहुत अच्छा आए। ये देखिए यहाँ निकालने के बाद जो ये इसको हम ऐसे नीचे करेंगे और इसे खींचेंगे और इसी बस लगभग इसी तरह से हम अपने पैटर्न को पूरा करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे दो बार किया था तो जस्ट इसके बगल में हम एक ही बार करेंगे, यानी 1 2 1 2 1 2 करके करेंगे जब तक कि मेरा राउंड शेप अच्छे से ना आए। और इसी तरह से करते करते हम ये पूरा कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है, एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में, जो मेरा ये वाला दो चीट लिए थे तो एक को हमेशा हम इस तरह से रखेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें ऐसे घुसाते हुए इसको ऊपर से लेके आते हुए इसको फिर हम नीचे से लेके आके इसको खींच देंगे। और देखिए ये अभी से ही खूब अच्छा लगने लगा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से इसे आगे में रखते हुए और ये, और फिर इसको नीचे से ऐसे
खींच देंगे और बीच बीच में ये देखिए इसमें से हमको निकालना है इसको ऐसे करके, और बीच में कभी कभी हम एक ही जगह पे दो बार कर देंगे ताकि मेरा गोल शेप अच्छे से आ सके। और इसका ऐसे ही पैटर्न है, आप जितना चाहें इसे बड़ा बना सकती हैं। मैंने है पूरा दुपट्टा का यूज़ कर लिया है। और देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया और एक दुपट्टे से लगभग इतना बड़ा साइज हो गया है, तो ये मेरे काम का हो जाएगा। अब मैं इसका एंड करना बता रही हूँ। देखिए देख इधर से यहाँ से गुजार कर ऐसे आगे कर और इस तरह आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है, प्लेसमेंट के रूप में, टेबल के ऊपर कोई शोपीस रख कर, गमले के नीचे, ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करें। देखिए मैंने कैसे एक बचे हुए कपड़े से जो जिसका दुपट्टे का कोई यूज़ नहीं था उसे थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाते हुए मैंने एक मैट बना दिया। और ये देखिए मेरा जो यहाँ था ये है, और इसी तरह से करते हुए मैंने इसको छुपा दिया और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब नीचे पीछे में यहाँ आकर और पिन के सहायता से इस तरह से पीछे में हम यहाँ पे इसको डाल करके और यहाँ पे हम एक काट बांध देंगे। देखिए ये मेरा तैयार हो जाए। देखिए ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है।